हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो मेरा कभी से नहीं आया, बनाया नहीं, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। थोड़ा मतलब एक डेढ़ महीने से हॉस्पिटल भाग ही रहे। कुछ वीडियो में बनाया भी नहीं इतना। जो पहले का वीडियो है बस उसका एडिटिंग करके छोड़ रही हूँ, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो थोड़ा रेसिपी का वीडियो रख दूँगी, क्योंकि जो अभी खाने में घर पर बन रहा है, जो टेस्टी है, हेल्दी है, अच्छा है, जल्दी से बन जाते हैं, जो अलग एक तरीके से बनाते, वैसा रेसिपी मैं दिखा दूंगी। चलो चलिए देखते हैं। आपको एक सब्जी बनाना सिखाऊंगी जो आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं, बहुत ही चटपटा, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी सब्जी है। और इसको आप स्नैक्स के साथ भी खा सकते हो, और खाना लंच डिनर कोई भी टाइम भी खा सकते हो। तो अभी मैं क्या क्या ली हूँ, मैं ली हूँ नारियल, वो पूजा का नारियल था, उसको पूरा घिस के ले लिया है। और उसके बाद गाजर, थोड़ा अदरक भी घिस के ले लिया है। और ये पूजा का नारियल तो मैं कांदा और लहसुन बिल्कुल नहीं डाली हूँ, बिना कांदे लहसुन का भी बहुत ही टेस्टी भाजी बनता है। आप टमाटर डाल सकते हो, लेकिन मैं टमाटर भी नहीं डाली हूँ। इसमें डाली हूँ थोड़ा धनिया का पत्ता, थोड़ा कड़ी पत्ता, थोड़ा सा हरी मिर्च, और गाजर का भी घिसा हुआ गाजर, एक ही गाजर डाली हूँ। और नारियल जो पूरा एक नारियल है, क्वांटिटी ऐसे कोई मैं माप के नहीं ली हूँ, अपने एक्सपीरियंस से अंदाजे से ही बनाती हूँ। और बेसन थोड़ा, मतलब 5-6 चम्मच, बड़ी चम्मच बेसन लगता है। और चावल में 2-3 चम्मच डाली हूँ, वो भी अंदाजे से। आपको क्रंची चाहिए तो थोड़ा चावल का आटा ज़्यादा डालिए, आपको सॉफ्ट चाहिए तो बेसन ज़्यादा डालिए। तो मैं ये ऐसे कोई माप के नहीं ली हूँ, अंदाजे से ली हूँ, अपने आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और मैं इसमें पहले पानी बिल्कुल नहीं डाली हूँ, इसको अच्छे से सूखा ही मिला लेंगे। नमक भी स्वाद अनुसार देंगे, और आपको तीखा चाहिए तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते, चिली फ्लेक्स डाल सकते, और हल्दी पाउडर थोड़ा सा, नहीं तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हो, काली मिर्च भी डाल सकते हो। मैं कुछ भी नहीं डाला है, एकदम सिंपल ही सिंपल सा नारियल है, तो नारियल का टेस्ट रहना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से कोई फ्लेवर ऐड नहीं की हूँ, सिर्फ नारियल को बांध के रखने के लिए बेसन और आटा डाली हूँ। और नारियल तो वैसे भी मीठा रहता है, और गाजर डालेंगे तो और थोड़ा टेस्टी लगेगा करके, थोड़ा सा गाजर डाली हूँ और कुछ नहीं। बस अभी डाल देंगे थोड़ा अदरक, घिस के अदरक डाल दी हूँ। अब कोई भी ये छोटा दाना और ये बड़ा दाना कोई भी प्लेट से आप घिस सकते हो, नहीं तो नारियल का जो निकालने वाला रहता है मशीन, उसमें भी बना सकते। अभी मैं ली हूँ आयरन का तवा, और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर उसका जो नारियल का जो हमने बनाया है मसाला, उसको थोड़ा राउंड राउंड करके हाथ से बेल के तवे के ऊपर रख दी हूँ। ये सूखा बनाया ना आटा, तो अच्छे से बन जाता है। पहले इसको थोड़ा नीचे से हिला ले, फिर उसको पलटी कर दे, क्योंकि डायरेक्ट पलटी करने को नहीं होते हो।